हेलो गाइस दिस इज नवनीत महान डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड आज हम बात करने वाले हैं बनाना के इंसेक्ट पेस्ट और उनके मैनेजमेंट्स के बारे में गाइस बनाना इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड इम्पोर्टेंट फ्रूट क्रॉप एज वेल एज वेजिटेबल क्रॉप व्हिच इज़ ग्रोन ऑल ओवर द इंडिया इट इज़ अ रिसोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विटामिन्स प्रोटीन्स एंड कैल्शियम गायस बनाना जो है ये बड़े चाव से खाया जाता है ना ही इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में इसका सेवन किया जाता है बनाना जो है केला इसका सब्जी काफ़ी फेमस है इसके कच्चे फ्रूट से चिप्स भी बनाए जाते हैं गाइस बनाना जो है बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट से इंसेक्ट पेस्ट जो हैं उनसे अफेक्टेड होता है बनाना को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत से कीट हैं जो मेन मेजर पेस्ट हैं वो है बनाना आ, सूडो स्टेबिल ओडियोपोल लोंगीकोलिस एंड रोमविबिल कॉस्मोपोलाइट्स सॉडिडस। ये जो दो पेस्ट हैं ये मेन हैं। उसके अलावा और भी इंसेक्ट पेस्ट हैं जो बनाना को डैमेज करते हैं जैसे बनाना एफिड फ्रूट फ्लाई बनाना लेस बग, या टिंच टिंचड बग लीफ थ्रिप्स फ्लावर थ्रिप्स स्केर इंसेक्ट्स मेरिड बग स्पाइटेड बग आ, और डिफोलिएटर्स भी हैं कुछ जस्ट लाइक लीफ ईटिंग कैटरपिलर या हैरी कैटरपिलर्स कुछ बीटल्स हैं और बेगवॉम बेगवॉम भी एक इंसेक्ट है माइनर पेस्ट है जो कि फॉरेस्ट ट्रीज़ को नुकसान पहुंचाता है बट ये बनाना की ट्री को भी बनाना के प्लांट को भी नुकसान पहुंचा सकता है सबसे पहले हम बात करते हैं बनाना शुरू स्टेबल के बारे में साइंटिफिक नेम है ओडियोपोरस लोंगिकॉलिस फैमिली करक्यूलियोनिडी ऑर्डर कोलियोप्टेरा ये जो इंसेक्ट है ये बनाना का सबसे मेजर पेस्ट है जो कि बनाना के ईल्ड में लगभग सेवेंटी परसेंट तक की कमी ला सकता है इनके वजह से बनाना में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है बनाना के जो ईल्ड है उसमें सबसे ज़्यादा कमी इसी इंसेक्ट के कारण होता है ये जो इंसेक्ट है है ये होस्ट स्पेसिफिक होता है जो कि बनाना में ही अटैक करता है और ये पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी बनाना की खेती होती है वहाँ ये इंसेक्ट पाए जाते हैं ये जो इंसेक्ट होते हैं कोलोप्ट्राइड होते हैं इनका आ, जो इलाइट्रा होता है काफ़ी हार्ड होता है ये पहले आ, इनका आ, जो प्रभाव था पहले नहीं था बट कुछ हाल के ईयर्स में ये जो है इनका अफेक्ट ज़्यादा होने लगा है इनका एक येलो कलर का होता है इलेप्टिकल इंसेप्ट ये जो आ, ये जो इंसेक्ट होते हैं इनके लार्वा और एडल्ट दोनों ही प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं द बनाना वो स्टेप वी विल अटैक द प्लांट्स डूरिंग फ्लावरिंग एंड बंच फॉर्मेशन स्टेज एंड कॉज सीवियर इल लॉस बाय प्रिवेंटिंग द बंच डेवलपमेंट ये जो इंसेक्ट होते हैं सूडो इस्टेम के विविल आ, ग्राउंड लेवल के ऊपर लगभग एक से डेढ़ मीटर ऊपर अपने अंडे देते हैं सूडो इस्टेम के ऊपर में जो ग्रब होते हैं वो एपोडस होते हैं उनके पैर नहीं पाए जाते इनके ग्रब में फाइव स्टार जो है कंप्लीट होने के बाद में ये प्यूपेशन में चले जाते हैं इनका जो लाइफ साइकिल होता है लगभग चार से छः मही तक चलता है ये जो इंसेक्ट होते हैं इनका जो एक का हैचिंग पीरियड है वो तीन से पाँच दिन में हैचिंग हो जाते हैं ग्रप ग्रप पीरियड लगभग तीस से पैंतालीस दिन का होता है और ये लगभग दस से पंद्रह दिन के लिए प्यूपेशन में चले जाते हैं एडल्ट होने के पश्चात लगभग ये सौ से एक सौ बीस दिनों तक जिंदा रहते हैं इस तरह से ये जो इंसेक्ट होते हैं इनकी पूरी लाइफ साइकिल कम से कम चार से छ माह तक चलता है ये जो इंसेक्ट होते हैं इनका आ, एक साल में लगभग दो जनरेशन तक कंप्लीट हो सकता है गाइस ये जो है इंसेक्ट है इसका डैमेजिंग सिम्टम्स कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं स्क्रीन पे जैसे कि देखा जा सकता है ग्रव्स जो है वो सूडो स्टेम को खा के स्टेम को बोर करके उसे खा के नुकसान पहुँचाते हैं इवन एडल्ट भी सूडो स्टेम में ही अटैक करते हैं उसको खा के बोर करके खा जाते हैं और उसको नुकसान कर पहुँचाते हैं उनके द्वारा छोड़े गए एक्सक्रीटा के, के वजह से पूरी सूडो स्टेम में सड़न पैदा हो जाती है और कुछ तीक्ष्ण गंध हवा में ये छोड़ते हैं नेचर ऑफ डैमेज फीमेल मेक होल्स ऑन सूरुस्टेम बाय मेकिंग पिन होल्स विद द हेल्प ऑफ स्नाउट ये जो है इंसेक्ट होते हैं इनके आ, ये विविल होने के कारण इनमें स्नाउट चोंच के समान स्ट्रक्चर पाया जाता है इनका माउथ पार्ट जो होता है प्रोग्नेथस होता है चोच के समान स्ट्रक्चर होता है जिसकी सहायता से इस सूर स्टेम में पिन होल करते हैं एक छोटा सा होल बनाते हैं और उस होल के अंदर अपने अंडे देते हैं और Uh, उस अड्डे से निकले हुए जो लार्वे हैं जो ग्रब हैं उसम में टनलिंग करना स्टार्ट करते हैं ऑन एन एवरेज वी कैन सी 150 फिफ्टी टू टू हंड्रेड अलॉन्ग विद ग्रब इन वन स्टेम अगर इनके सिम्टम्स की बात करें द अर्ली सिम्टम्स आर द जेली एक्स एक्जुडेशन ऑन द बनाना स्टेम विथ इंडिकेट विच इंडिकेट द विविल एंड ग्रब एक्टिविटी इन साइड द स्टेम जब हम फर्स्टली सिम्टम देखते हैं बनाना प्लांट के ऊपर इनके सिम्टम्स शो होने से पहले तो बनाना के स्टेम में इनके द्वारा बनाए गए छेद से जेली के समान कुछ पदार्थ बाहर निकलने लगता है जिसको हम आ, जो कि ग्रब या विविल के एक्टिविटी को दर्शाता है ऊज ऑफ रेसिनेस सब्सटेंस फ्राम स्टेम येलोइंग एंड ड्राइंग ऑफ लीफ धीरे धीरे जो पत्तियाँ हैं वो येलो होने लगती हैं क्योंकि पत्तियों तक न्यूट्रिशन नहीं पहुँच पाते सिक्वेंशियल पिन होल्स ऑन सूरज स्टेम इन अ लाइन जो इनके द्वारा बनाए गए जो पिन होल्स हैं छोटे छोटे छिद्र हैं वो लाइन से बहुत सारे दिखाई देने लगते हैं और इक्वल डिस्टेंस में होते हैं जिनका साइज आकार जो होल्स uh, होते हैं उनका आकार भी सेम होता है हेलो एंड ब्रेक एट द एपिकल रीजन ड्यू टू गश ऑफ वाइन बहुत ज़्यादा इनका आक्रमण होने पे uh, हवा जब चलती है तो पौधे गिर जाते हैं क्योंकि जो सूर्य स्टेम है अंदर से खोखले हो चुके होते हैं इनके द्वारा खाने के कारण इनके मैनेजमेंट के लिए हमें हर पैंतालीस दिन के अंतराल में अर्निंग अप करनी चाहिए क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं अपने अंडे नीचे स्टेम के ऊपर या राइजोम के ऊपर अपने अंडे छोड़ते हैं तो उस कंडीशन में हमें इनको अर्दिंग अप करते रहना चाहिए जिससे कि ये आ, अंडे ना ले सकें मेंटेन हेल्दी प्लांटेशन बाय पीरियोडिक रिमूवल ऑफ ड्राई लिव्स एंड सकर्स बहुत सकर्स को रिमूव करते रहना चाहिए क्योंकि सकर्स अगर रिमूव ना किए जाएँ तो आ, प्लांट्स प्लांटिंग डिस्टेंस जो है मेंटेन नहीं हो पाते जिस वजह से जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका आक्रमण और अधिक हो सकता है और उसके अलावा जो ड्राई लिप्स हैं उनको टाइमली रिमूव करते देना चाहिए प्रून द साइड चकर एवरी मंथ डो नोट डंप इन मटेरियल इन टू मैन्य पिट जो मैन्यर पिट होता है हमारा कंपोस्ट uh, पिट या मैन्यर पिट होता है उसमें इस इंसेक्ट्स के द्वारा अफेक्टेड इन्फेस्टेड मटेरियल को कभी भी डंप नहीं करना चाहिए इन्फेस्टेड मटेरियल को हमेशा ही नष्ट करना चाहिए जला देना चाहिए या फिर ज़मीन में गहरे गड्ढे खोद के दफना देना चाहिए इन केस ऑफ सीवियर इन्फेस्टेशन अप्रूट एंड बर्न द प्लांट अगर बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो जाता है उस कंडीशन में प्लांट्स को पूरी तरह से अप्रूट करके बर्न कर देना चाहिए मतलब पूरी तरह से प्लांट्स को उखाड़ के उन्हें जला देना चाहिए इसके अलावा हम कुछ ट्रैप्स का यूज़ कर सकते हैं जस्ट लाइक लॉन्गेटूडनल स्प्लिट ट्रैप और फिर या फिर डिस्क ऑन स्टंप ट्रैप ये जो ट्रैप होते हैं आ, ये कुछ स्पेसिफिक ट्रैप होते हैं जो कि स्पेशल इसी इंसेक्ट्स के लिए अपनाए जाते हैं फर्स्टली लॉन्गेटूडनल स्प्लिट ट्रैप में जो इन जो सूडो स्टैम होते हैं जो बनाना के स्टैम होते हैं ओल्ड प्लांट्स होते हैं उनको आ, उनका कट सरफेस को कट सरफेस को एंटोपैथोजेनिक फंगस या फिर एंटोपैथोजेनिक निमेटोर्स के स्वैब से ट्रीट करके उन्हें फील्ड के चारों तरफ रखनी चाहिए जिससे कि जो इंसेक्ट्स हैं वो इन आ, जो ट्रैप हैं उस पर अटैक हो सकें और आ, जो एंटोपैथोजेनिक फंगस है उस पर अटैक कर सकें दूसरा है इंस्टॉलेशन ऑफ डिस्क ऑन स्टम्प ट्रैप इस कंडीशन में ये जो डिस्क ऑन स्टम्प ट्रैप है इसमें सुडो इस्टेम का सुडो इस्टम के कटिंग्स को उसको लॉन्गिट्यूडली uh, स्प्रिट करके सुडो इस्टैम को मोनोक्रोटोफास या फिर बवेरिया बेसियाना से स्वैप uh, करके बवेरिया बेसियाना से ट्रीट करके उसको मेज uh, के कोर्स मटेरियल दैट मीन्स मेज के जो uh, उनके आटा होते हैं उसके साथ में मिक्स करके हमें फेड़ के चारों तरफ रखने चाहिए इस कंडीशन में ये जो इंसेक्ट होते हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और किसी प्रकार के जो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स जो हमने उसमें डाला है उसके वजह से ये मर जाते हैं इफ़ इन्फेस्टेशन इज नोटिस्ड आफ्टर सेवन मंथ ऑफ प्लांटिंग स्टेम इंजेक्शन इज़ द ओनली वे टू कंट्रोल ये जो ट्रैपिंग है ये जब हम प्लांटिंग करते हैं उससे पहले कर सकते हैं बट अगर प्लांटिंग से सात मंथ के बाद में हमें इन्फेस्टेशन का पता चलता है तो हम स्टेम में केमिकल इंसेक्टिसाइड का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं जस्ट लाइक मोनोक्रोटोफास 36 एससी, 36 एससी जो मोनोक्रोक्रोटोफास है उसको 50 एम पर 350 फिफ्टी वाटर के साथ में मिक्स करके 2 एम आ, के रेट से मतलब पर प्लांट पर इंजेक्शन टू एम हमको इंजेक्ट करना चाहिए जो कि Uh, 45 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे फर्स्ट इंजेक्शन एंड सेकंड इंजेक्शन जो है वो 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे लगानी चाहिए ये जो इंजेक्शन लगाने का प्रोसेस है इसको फ्लावरिंग के समय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि uh, अगर फ्लावरिंग के समय या फिर फ्लावरिंग के बाद अगर हम इंजेक्ट करते हैं केमिकल इंसेक्टिसाइड्स को तो जो फ्रूट होता है वो भी टॉक्सिक हो सकता है इसके अलावा सेल्फोस थ्री टेबलेट्स पर प्लांट इस रिकमेंडेड फॉर कंट्रोल ऑफ एग लार्वा पीपा एंड एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द इंसेक्ट एप्लीकेशन आफ्टर प्लेसिंग द टेबलेट इन साइड द सुडो इस्टेम द स्प्लिट सूड बी प्लास्टर्ड विथ मर्ड जो सेल्फॉस के टेबलेट्स आते हैं उनको इस इंसेक्ट्स के द्वारा बनाए गए छेद के अंदर डाल के हमें मर्द से बंद कर देना चाहिए जिससे कि अंदर में इंसेक्ट जो है मर सके नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ कार्बोफ्यूरान जो कार्बोफ्यूरान है थ्री ग्राम ऑफ गेनुल पर स्टूल इज़ वेरी इफेक्टिव टू कंट्रोल द पेस्ट या फिर क्लोरोपारिफास 20 ई सी इसका भी हम स्प्रे कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले ही बताया किसी प्रकार के इंजेक्शन फ्लावरिंग के समय या फिर फ्लावरिंग के बाद नहीं लगानी चाहिए इंजेक्शन का यूज नहीं करनी चाहिए नेक्स्ट इंसेक्ट इज़ राइजोम विविल राइजोम विविल कॉस्मोपोलाइड्स सॉडिडस ये जो इंसेक्ट होते हैं ये भी कर्कुल्योनीडी और ऑर्डर कोलियोप्टेरा के मेंबर्स होते हैं ये भी काफ़ी डिस्ट्रक्टिव पेस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा जो बनाना के प्लांट है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं सूडो के तरह ही इनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है सूडो से आकार में छोटे होते हैं जो एडल्ट वीबल्स होते हैं 10 से 13 एम तक लंबे हो सकते हैं ये साइनी, रेडिस, ब्राउन या ब्लैक कलर के हो सकते हैं जो ग्रब्स होते हैं वाइट क्रीमी फ्लैशी लेगलेस रिंकल्ड एंड स्पिंडल सेप्ड होते हैं जिनका जो सिर होता है वो लाल रंग का होता है एक बहुत ही छोटे होते हैं जो कि ये आ, हर राइजोम में सिंगल सिंगल अंडे देते हैं इनका जो लाइफ साइकिल होता है ये लगभग डेढ़ से दो महीने में कंप्लीट हो जाता है एक हैचिंग पीरियड सात से Uh, पंद्रह दिन का होता है गर्भ गर्भ पीरियड जो होता है लगभग पंद्रह से पैंतालीस दिन का होता है प्योवा पीरियड दस से अट्ठाईस दिन का और जो इनका एडल्ट पीरियड होता है तीस से साठ दिन का इनका एडल्ट पीरियड होता है इस तरह से ये जो इंसेक्ट्स होते हैं दो से तीन माह तक इनका लाइफ साइकिल कम्प्लीट हो पाता है इंसेक्ट बिहेवियर द एडल्टीवी इज़ ब्लैक एंड मेजर टेन टू फिफ्टीन एम इन लेंथ इट इज़ फ्री लिविंग दो मोस्ट कॉमनली फाउंड बिटवीन लिप्सिथ इन दॉयल एट द बेस ऑफ द मेट और एसोसिएटेड विथ क्रॉप रेस्टिव ये जो इंसेक्ट होते हैं क्रॉप रेस्टिव में बने हुए होते हैं या फिर लिप्सिट के अंदर छुपे हुए होते हैं द जो इंसेक्ट्स होते हैं ये नॉक्टर्नल नेचर के होते हैं रात्रिचर होते हैं रात में ही निकलते हैं इनके जो रिव्यूज होते हैं बहुत ही है, आलसी किस्म के होते हैं जो फिर कब जो कि बहुत ही कम उड़ते हैं या फिर उड़ते ही नहीं सिर्फ प्लांट्स के अंदर ही लिप के अंदर बने रहते हैं एडल्ट होने के पश्चात ये सिर्फ मैथून उड़ान उड़ान ही भरते हैं मैथून करने के लिए ही सिर्फ उड़ान करते हैं उसके अलावा ये कहीं भी मूवमेंट करने के लिए उड़ान बहुत ही कम भरते हैं नेचर ऑफ डैमेज ग्रब बोर इंटू द सूडो स्टेम एंड राइजोम ये जो इंसेक्ट होते हैं सूडो स्टेम वेविल की तरह ही स्टेम uh, और राइजोम को बोर करके नुकसान पहुंचाते हैं द ग्रब ऑफ कॉर्न वे अटैक द प्लांट बाय फीडिंग ऑन द कॉर्न पोर्शन एंड देअ बाय मेकिंग बोर होल्स एंड टर्नर्स ऑन द कॉर्न ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये ऊपर से नीचे की ओर डाउनवर्ड टर्नलिंग ये ऊपर से नीचे की ओर टर्नलिंग करना इस्टार्ट करते हैं और प्लांट्स को पूरी तरह से डैमेज करते हैं अगर इनके सिम्टम्स की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ डार्क कलर टनल्स इन द राइजोम। ये जो राइजोम होते हैं जिसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट सीजन के लिए प्लांटिंग के लिए यूज़ करते हैं उसमें डार्क कलर कलर के टनल्स दिखाई देते हैं जो कि राइजोम राइजोमल की वेवल के प्रेजेंस को इंडिकेट करता है सिक अपेरेंस एंड येलो लाइन ऑन द टॉप लीव्स ये जो है टॉप लिप्स बहुत ही कमज़ोर और पीले कलर का दिखाई देता है और डेथ ऑफ अन पाइप जो न्यू लिप्स निकल रहे होते हैं पाइप के रूप में उनकी वो पूरी तरह से येलो होकर सूख जाते हैं उनकी डेथ हो जाती है ये जो इंसेक्ट्स होते हैं क्योंकि सूडो स्टेम को पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं इसलिए जो न्यू लिप्स निकलने वाले होते हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं दिस इज द डायग्राम ऑफ राइजोम ग्रप फीडिंग ऑन द स्टेम एंड स्टेम इंफेक्टेड बाय राइजोम मैनेजमेंट मैनेजमेंट के लिए हमें टाइमली अर्निंग अप करना चाहिए फोर्टी फाइव डेज के इंटरवल इंटरवल में अर्निंग अप करनी चाहिए कॉमर्शियल फेरोमोन का यूज़ हम कर सकते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है ये जो फेरोमोन होता है मेल्स के लिए भी आता है फीमेल्स के लिए भी हो सकता है द पॉइजन ऑफ ट्रेप शुड बी चेंज्ड वंस इन अ मन पोजिशन जो है फेरमोन ट्रैप का जो पोजिशन है उसको हमें हर माह में चेंज कर देना चाहिए बकेट ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं मॉनिटरिंग के लिए और द मरमाइसिन एंड मरमाइसिन एंड जो है एंट्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं इनके आ, बनाना राइजोम वेविल के कंट्रोल के लिए उसके अलावा इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यूज़ क्लीन प्लांटिंग मटेरियल क्लीन प्लांटिंग मटेरियल का यूज़ करनी चाहिए जिसमें किसी प्रकार के कोई भी इन्फेक्शन इन्फेस्टेशन ना हो किसी भी प्रकार के जो इंसेक्ट्स हैं उनके ईग लार्वी या प्यूपा नहीं छुपे होने चाहिए जो सकर्स हैं जिनको हमें नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स सीजन के लिए नेक्स्ट क्रॉपिंग के लिए हमें रखना है क्रॉपिंग प्लांटिंग करने से पहले उन्हें एजाडी रेक्टा इंडिका नीम के 20% परसेंट सोल्यूशन से हमें आ, ट्रीट करना चाहिए बिफोर प्लांटिंग दस वी डिप्ट इन पॉइंट वन परसेंट क्विनॉल फॉस एमर्जन क्विनॉल फॉस एमर्जन पॉइंट से भी हम ट्रीट कर सकते हैं एवॉयड ड्रॉइंग रोबस्ट ए कर्पूरवली मालभोग चंपा एंड अधुकर ये जो है बहुत ही ससेप्टेबल वरायटीज़ होते हैं इनका यूज़ नहीं करना चाहिए इसके बजाय इसके बजाय पूमकली कुन्नन कादली पुवन ये सब वरायटीज़ जो हैं ये आ, जो टॉलरेंट वेराइटी हैं इनका यूज़ कर सकते हैं या लेस ससेप्टेबल वेराइटीज़ हैं इनका यूज़ हम कर सकते हैं अप्लाई केस्टर केस्टर के, केस्टर के जो होता है कैस्टर का ऑयल केक इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं या फिर कार्बेरल का यूज़ कर सकते हैं या फॉरेट फॉरेट इज सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड हम इसका यूज़ कर सकते हैं टेन ग्राम टेन ग्राम पर पिट बिफोर प्लांटिंग ऑल्सो प्रिवेंट इन्फेस्टेशन प्लांटिंग से जस्ट पहले हमको दस ग्राम पर पिट इसका यूज़ करना चाहिए उसके अलावा और भी कुछ केमिकल्स हैं जस्ट लाइक like कार्बोफ्यूरान इसका भी हम सोइल एप्लीकेशन कर सकते हैं रेगुलर मॉनिटरिंग करना चाहिए और कुछ बायो कंट्रोल एजेंट्स जस्ट लाइक बिवेरिया बेसियाना या मेटराइजियम एनिसोफिली ये जो पैथोजेंस हैं पैथोजेनिक फंगस जो हैं इनका हम यूज़ कर सकते हैं दिज दैम्पल ऑफ ट्रीटिंग बनाना राइजोम विथ बीवेरिया बेसियाना एंटोपैथिनिक फंगस गाइज नेक्स्ट इंसेक्ट इज बनाना एफिड बनाना एफिड पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा ये है आ, ये जो इंसेक्ट है ऑर्डर हैमिपटेरा फैमिली एफ के मेंबर्स होते हैं जो ब्लैक कलर के ब्लैक एफिड होते हैं ये जो एफिड होते हैं ये फिर uh, ये पॉलीफेगस uh, होते हैं इनका होस्ट रेंज बहुत ज़्यादा होता है जो बहुत कई प्रकार के क्रॉप पे अटैक कर सकते हैं हम इनके एफिड्स uh, के बारे में लास्ट वीडियोस में डिस्कस uh, बहुत किए हैं बट इन द केस ऑफ बनाना ये जो इंसेक्ट होते हैं ये बंची टॉप वायरस डिसीज़ के वेक्टर हो सकते हैं ये जो इंसेक्ट होते हैं ये आ, प्लांट के लीफ से आ, जो प्लांट सेप है उसको सेल सेप को शक करके नुकसान पहुंचाते हैं ये जो इंसेक्ट होते हैं ये सकिंग इंसेक्ट होते हैं जो कि प्लांट्स के टेंडर पार्ट से सेल सेप को शक करते हैं आ, इनके सिम्टम्स के रूप में जो प्लांट्स होते हैं वो येलो कलर्ड या फिर मालफॉर्म दिखाई देता है क्योंकि ये जो होते हैं वो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स को शक कर लेते हैं प्लांट्स सेक कर लेते हैं इस वजह से जो प्लांट्स होता है स्टंटेड और डिसकलर्ड दिखाई देने लगता है इनके मैनेजमेंट के लिए रॉगिंग करना चाहिए रॉग रॉग आउट द वायरस अफेक्टेड प्लांट्स बिफोर स्प्रेइंग जो वायरस अफेक्टेड प्लांट्स होते हैं उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए निकाल देना चाहिए रॉगिंग इज अ बेस्ट स्प्रे डायमेथोएट 30 थर्टी ई सी एट द रेट ऑफ टू एम एल पर लीटर ऑफ ऑक्सी डेमेटॉन मेथाइल ट्वेंटी ई सी एट द रेट ऑफ टू एम एल पर लीटर एट फर्स्ट साइन ऑफ अटैक ये जो इंसेक्टिसाइड्स हैं ये सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स हैं डायमेथोएट या फिर ऑक्सीडेमेटोन मेथाइल इनका हम यूज़ कर सकते हैं टू एम एल पर लीटर की दर से घोल बना के हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस्प्रे लेंसर गोल्ड एट द रेट ऑफ टू ग्राम पर लीटर और इमिडा क्लोरपीट एट द रेट ऑफ पॉइंट टू फाइव एम एल पर लीटर इनके लिए हम किसी प्रकार के आ, किसी प्रकार के कॉन्टेक्ट इंसेक्टाइट का भी यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट इंसेक्ट इज लिफ ईटिंग कैटरपिलर लिफ लीफ ईटिंग जो कैटरपिलर्स होते हैं बहुत सारे होते हैं जस्ट लाइक इस्टेटोरा इस पोर ओब्लिक इस्पाइलोजोमा और uh, पेरिकैलिया रिसिनी ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये सारे के सारे इंसेक्ट्स पॉलीफेगस होते हैं जिनके बारे में हमने पहले बता चुके हूँ ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके लिए हम किसी प्रकार के स्टमक इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा कुछ हेरिकेटर पिलर्स होते हैं जस्ट लाइक like बिहार हेरिकेटर पिलर रेड हेरिकेटर पिलर कैस्टर हेरिकेटर पिलर या फिर सनहैम्प हेरिकेटर पिलर जो कि बनाना के प्लांट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं ये कुछ इंसेक्ट्स इन, के सैंपल्स हैं उनके पिक्स हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ हेरिकेटर पिलर्स और उनके प्यूपास और अफेक्टेड प्लांट्स इनके मैनेजमेंट के लिए हमें डीप समर प्लोइंग करनी चाहिए क्योंकि मैक्सिमम जो इंसेक्ट्स होते हैं लीव एडिंग गाइडर पिलर वो अर्दिन प्यूपा बनाते हैं और समर में प्योपेशन में चले जाते हैं हाइबर्नेशन में जिनको हम डीप समर प्लोइंग करने से जो प्यूपा या फिर ग्रब के रूप में हाइबरनेट या एस्टिवेट होते हैं उनको एक्सपोज कर सकते हैं जो कि पीटर उनको आसानी से नष्ट कर सकें उसके अलावा और कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स का भी यूज़ कर सकते हैं जस्ट लाइक मैलाथियन डाय एटसेट्रा और पॉइजन बेट का भी हम यूज कर सकते हैं फेरोमोन ट्रेप लाइट ट्रेप इज ऑल्सो इफेक्टिव मेथड्स गाइज आज के लिए बस इतना ही